उसी तरह, ठीक उसी तरह जैसा महाभारत पर्व के एक अंग में अर्जुन के दृष्टांत में आता है। अर्जुन के लिए परीक्षा रखी गई थी, मछली की आंख में उसे नीचे पान प्रतिबिंब देखते हुए उसे उस लक्ष्य छेदन करना था। कहते हैं कि अर्जुन ने अपनी एकाग्रता से, अपने लक्ष्य के प्रति तन्मयता से नीचे में उस घूमती हुई मछली की परछाई को देखते हुए उस मछली की आंख में लक्ष्य भेद कर दिया था। अर्जुन ने उस लक्ष्य को भेदा था जिसे बड़े बड़े धनुर्धर नहीं भेद पाए। जब तक हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग, गंभीर और जागरूक नहीं होते, हम चैतन्य नहीं होते, तब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? इस मनुष्य देह को धारण करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? ये जो आरंभ की है करके, इस यात्रा की आखिरी मंजिल कौन सी है, इसका पड़ाव कौन सा है? ये जो जीवन हमें मिला है, इस जीवन रूपी सफर की आखिरी मंजिल कौन, कहां जाकर के हमें अपना ये जीवन जो है वो उस जहराव देना है या अनंत में उस जिंद कर देना है? कहां, ऐसी कौन सी मंजिल, ऐसा लक्ष्य है हमारे जीवन? ये सब ज्ञान, ये सारी की सारी विधा, ये सारी कला हमें शास्त्र सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, संत लोग सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं। वे महापुरुष अपनी साधना से, ध्यान से, समाधि से, जप से इस जीवन के जटिल रहस्यों को, ऐसे ऐसे रहस्य जिसे बड़े बड़े योगी और ध्यानी भी समझ नहीं पाते, उन जिनके जटिल रहस्यों को सरल करने के जिन संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने विद्या सीख ली है, कला सीख ली है, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से ये सीखा है कि ये मनुष्य देह है, ये मरण धर्म है। इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो वास्तव में क्या है? चरणों में बैठकर उन गुरुजनों के, उन संतों के, उन वीतरागियों के, उन सन्यासियों के चरणों में बैठकर उनके चरणों में अपना ये गर्व से भरा हुआ माथा टेक कर आप उनसे सत्संग करें, उनसे पूछें, उनके चरणों में ये निवेदन करें कि भगवान, हे गुरुदेव, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कहते हैं कि जब आप गुरुजनों के चरणों में बैठकर, संतों के चरणों में बैठकर और इस तरह प्रश्न करते हैं तो वे कृपा करते हुए, करुणा करते हुए वे आपको आपके जीवन की दिशा बताते हैं कि आपके जीवन की दिशा क्या है, आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है।